व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पोको M2 डिवाइस के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में एक ब्रांड न्यू अपडेट है, वो यहां पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और ये इंडिया में फर्स्ट डिवाइस है जिसके अंदर आप लोगों को अप्रैल का यहाँ पर जो अपडेट है ना वो देखने को मिलता है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस अपडेट के अंदर आप लोगों को जो फीचर है ना वो यहाँ पर कौन से देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, और MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर कब तक आने वाला है पोको M2 डिवाइस के अंदर। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक भी यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आपके डिवाइस के लिए जैसे इंडिया में और कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा तो भी आप लोगों को वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में, और इसके अंदर आपको नया है ना वो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो MIUI 12.5.6.0 का आप लोगों को अपडेट का वर्जन नंबर है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और IN मतलब कि इंडिया के लिए जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया गया है पोको M2 डिवाइस के लिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अपडेट की टोटल साइज के बारे में, सो 308 MB की आप लोगों को अपडेट की जो टोटल साइज है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस अपडेट के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस अपडेट के अंदर आप लोगों को चेंजेस है ना वो यहाँ पर कौन से देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज है ना वो आप लोगों को इस अपडेट के अंदर ये देखने को मिलता है कि आप लोगों के डिवाइस के अंदर यहाँ पर अप्रैल 2022 का लेटेस्ट से भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है पोको M2 डिवाइस के अंदर। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अप्रैल 2022, सो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये शाओमी का फर्स्ट डिवाइस है जिसके लिए इंडिया में अप्रैल 2022 का लेटेस्ट से भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच का जो अपडेट है ना वहाँ पर रिलीज किया गया है इंडिया के अंदर। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेटेस्ट आप लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती है पोको M2 डिवाइस के अंदर। सो ये वाला आप लोगों को यहाँ पर जो फर्स्ट चेंज है ना वो देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर। अब मैं आप लोगों से बात करूँ सेकेंड चेंज के बारे में, सो यहाँ पर फोन की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना उसको यहाँ पर इंक्रीज किया गया है इस अपडेट के अंदर। अगर आप लोग अपने फोन को यहाँ पर यूज करोगे सो अपडेट को करने के बाद में आप लोगों का जो फोन है ना वो आप लोगों को यहाँ पर बग फ्री देखने को मिलेगा। सो ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक चेंज है ना वो देखने को मिल जाता है इस अपडेट के अंदर। फोन की स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, और परफॉर्मेंस है ना उसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ी स्टेबिलिटी है वहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिलती है अगर आप लोग इस अपडेट को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हो। और यहाँ पर दोस्तों जो कंट्रोल सेंटर है ना वो भी एकदम अच्छे से वर्क करता है, इसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर जो बग है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। और अगर आप लोग स्विच होते हो सो इसके अंदर भी जो लेग है ना वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया है इस अपडेट के अंदर। सो ये वाला आप लोगों को यहाँ पर एक चेंज है ना वो देखने को मिल जाता है इस अपडेट के अंदर। अब मैं आप लोगों से बात करूँ और कुछ चेंजेस के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर बैटरी वाला जो मोड है ना इसके अंदर आप लोगों को नया परफॉर्मेंस मोड है वो अभी तक भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, सो ये एक बेड न्यूज है। बाकी मैं आप लोगों से बात करूं रैम एक्सटेंशन के फीचर के बारे में, तो वही आप लोगों को सेम 2GB का रैम एक्सटेंशन की जो मेमोरी है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कुछ यूजर के यहाँ पर 1GB है, कुछ यूजर के यहाँ पर 2GB है। ये पूरा आप लोगों को यहाँ पर पूरा आपका जो फोन का स्टोरेज है उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर 64GB स्टोरेज है तो यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, अगर उससे ज्यादा है 128GB तो आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा जो रैम एक्सटेंशन जो मेमोरी एक्सटेंशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपकी डिवाइस के अंदर। तो इसके अंदर भी ज्यादा चेंजेस है ना वो यहाँ पर नहीं किए गए हैं। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे ये जो अपडेट है ना इसकी टोटल साइज आप लोगों को 308 MB की यहाँ पर देखने को मिलती है। सो इतने ज्यादा तो आप लोगों को चेंजेस ना वहाँ पर देखने को नहीं मिले होंगे, ये तो आप लोगों को भी पता है। फोन के यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसके अंदर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे, पुराने वाली जो बग्स है उनको यहाँ पर सॉल्व किया गया है इस अपडेट के अंदर। और यहाँ पर जो अप्रैल 2022 का जो सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर एड किया गया है इस अपडेट के अंदर। बाकी कुछ आप लोगों को चेंजेस है ना वो इस अपडेट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो क्लोज करते हो ओपन करते हो क्लोज करते हो सो उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है ना वो आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिलती है। और ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन है इसके अंदर आप लोगों को स्मूथनेस है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती है।
हैं इस अपडेट के अंदर। और साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर ये अपडेट जैसे रिलीज हुआ था मैंने आप लोगों के साथ में न्यूज जाना वो सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल है इसमें यहाँ पर शेयर कर दी थी। सो अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट आ जाता है स्क्रीन शॉट के साथ में, मैं आप लोगों को न्यूज जाना वो यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो इसको आप लोगों को जरूर से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ आप लोगों को यहाँ पर और कुछ चेंजेस है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं या फिर नहीं, या फिर पहले मैं आपको बता देता हूँ MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा Poco M2 डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों अभी अप्रैल का मंथ है ना वहाँ पर करेंटली चल रहा है, सो आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, अभी तो अपडेट नहीं आने वाला है अपडेट मंथ के अंदर, ये बात तो आप लोगों को भी पता है। मई मंथ है उसके अंदर भी आप लोगों को कोई भी पॉसिबिलिटी है ना वो देखने को नहीं मिलती है Poco M2 डिवाइस के अंदर, जो कि आपको Android 12 का तो अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये तो कंफर्म नहीं है, MIUI 13 का कंफर्म मिलेगा। सो वो आप लोगों को यहाँ पर मई मंथ के अंदर भी नहीं मिलेगा, जून का मंथ है उसका आप लोगों को वेट कर लेना है, जून के मंथ के अंदर आपको Poco M2 डिवाइस के अंदर MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। और कल रात को मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था कि Poco M2 जो डिवाइस है ना इसके लिए जून मंथ के अंदर आप लोगों को एक नया अपडेट है ना वो मिलेगा MIUI 13 और Android 12 अपडेट। यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों से बात करूँ बैटरी के बारे में, सो बैटरी भी आपको सेम ही देखने को मिलती है, इसके अंदर भी आपको किसी भी तरीके का चेंज है ना वो देखने को नहीं मिलता है। चार्जिंग टाइम है वो तो उसको टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा, बाकी उसके अंदर भी आप लोगों को चेंजेस है ना वो देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो चेंज हो चुका है, बाकी मैंने आपको MIUI 13 अपडेट के बारे में कंप्लीट यहाँ पर बता दिया है कि आपको यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, जून के फर्स्ट वीक का आप लोगों को वेट कर लेना है, जून के फर्स्ट वीक के अंदर Poco M2 डिवाइस के अंदर आपको MIUI 13 का अपडेट इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो। बाकी अगर किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट आ जाता है Poco M2 डिवाइस के लिए तो मैं आपको जो न्यूज है ना वो सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर शेयर कर दूंगा। सो अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है सो ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को वॉलपेपर्स पसंद है अपने डिवाइस के अंदर सेट करना तो आप लोग साइज वॉलपेपर का टेलीग्राम चैनल है इसको भी विजिट कर सकते हो। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ओपन करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सहेज वॉलपेपर प्रेस कर देना है, आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाओगे। सो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।